वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में विभिन्न शासकीय संस्थाओं में टीम गठित कर कोविड वैक्सीनेशन कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि पुरानी भिलाई थाना, महिला बाल विकास और नगर निगम चरोदा सहित अन्य शासकीय विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60+ को बूस्टर डोज लगाया गया है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को कोवोवैक्स प्रथम व सेकेंड लगाया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा परवीन ने सभी से अपील की है कि कोविड के नियम का पालन करें, अपना टीका अनिवार्य रूप से लगवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मिश्राम और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव मैडम के द्वारा एक वीसी ली गई थी, जिसमें जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि बूस्टर डोज के लिए जितने भी शासकीय संस्थाओं में HWC हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर बचे हुए हैं, उनको अनिवार्यता उनको ये 18 जून तक के किसी भी स्थिति में उनको टीके लगाना है। सेकंड डोज जिन्होंने लगा लिया और 9 महीना पूरा हो गया और ऐसे हितग्राही बचे हुए सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले, तो आज हमारी टीम थाना भिलाई 3, महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों में और नगर निगम चरोदा के केंद्र में और जितने सरकारी संस्थाएँ हैं, जैसे राजस्व विभाग है, तहसीलदार साहब का कार्यालय है, यहाँ दस्तक दे रही है और घर उनके कार्यालयों में पूछ रही है। तो अभी पुलिस विभाग में 3 लोग ऐसे मिले जिनको बूस्टर डोज का समय हो गया था, नहीं लगा था, आज उनको बूस्टर डोज लगाया है। जिस तरीके से कोविड के केसेस फिर से राज्य स्तर में और देश में भी और राज्य में भी और ज़िले में भी बढ़ रहे हैं, उसके पहले बूस्टर डोज लगाना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और चूँकि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है, तो इनको ID से लग जा रहा है, और जो लोग 60+ के आयु समूह के लोग हैं उनको हम निशुल्क लगा रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वो लगाएं। और जो लोग ऐसे भी जाके लगाना सकते हैं जो 60+ नहीं है, वर्धमान अस्पताल में 333 रुपये दे के वो अपना ये बूस्टर डोज लगा सकते हैं। जी, मैं प्रधान आरक्षक राजेश कुमार साहू थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ हूँ। मैं आज स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बूस्टर डोज लगवाया हूँ और मैं समाज से अपील करता हूँ कि वह अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु बूस्टर डोज लगवाएं और लोगों को भी लगवाने के लिए उत्प्रेरित करें और सामने लाएं, और जो लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं उनके घर में जा जाकर लगवा रहे हैं ये बूस्टर डोज स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो उनको कृपया सहयोग करें, अपने घर का दरवाज़ा बंद ना करें। आपके घर सहयोग कर रहे हैं, अगर शासन आपको घर पहुँच सेवा प्रदान कर रही है तो आप घर में ही अवश्य बूस्टर डोज लगवाएं और शासन को सहयोग प्रदान करें और कोरोना वायरस से भारत को जीतने में सहयोग करें।